हेलो फ्रेंड्स, आप सब होप अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा था, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हमारे किसी भी काम को सक्सेस होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती उसके बारे में। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ इसका सबसे पहले बेस पे आ जाते हैं, ये है किस चीज़ के लिए। तो इस बेस का जो स्टार्टिंग है वो है एक बुक, जिसको मैंने हाल ही में कंप्लीट किया है। तो मैं इस बुक के कुछ जो सीक्रेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। तो आइए इस बुक का मैं पहले आपको नाम बताती हूँ। तो इस बुक का नाम है 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल। तो ये है बुक। तो इस बुक को मैंने अभी हाल ही में कंप्लीट किया है, रीडिंग किया हुआ, और मुझे बहुत अच्छी लगी, सीरियसली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें ये चीज बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है कि जो एक एवरेज माइंडेड पीपल होते हैं उनकी हर चीज़ों में उनकी सोच कैसी होती है, और जो मिलेनियर माइंड पीपल्स होते हैं उनकी सोच कैसी होती है। तो ये आप अपने माइंड पर सेट कर लो कि अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है, मिलेनियर्स बनना है, तो आपको अपने माइंड सेट पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो पहले हम जिस चीज़ को जैसे सोचते हैं, देन हमारी जो स्किल होती है ऑटोमेटिकली उसी फील्ड में ग्रो करती हैं और हम उसी फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपको ये बुक बहुत हेल्प करेगी इस चीज़ को समझने में कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है अपने माइंड सेट को बैलेंस करना। तो होप आप इस बुक को पढ़ेंगे और ये आपको अच्छी लगेगी। तो पढ़ना तो है ही आपको बुक, अगर अभी तक आपने, मैंने लास्ट वीडियो में अपने इस चीज़ को इंक्लूड किया था कि आपको बुक रीड करना है, बट अगर अभी तक आपने रीडिंग स्टार्ट नहीं की होगी तो अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, एक्सक्यूजेस बंद कीजिए, इस बुक को एक बार पढ़िए। ये बुक आपके अंदर आई एम श्योर कि एक वैल्यू जरूर ऐड करेगी, और हर सक्सेसफुल पीपल के अंदर ये बुक रीडिंग की हैबिट होती ही होती है। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट सक्सेस मंत्रा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।